द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया वह हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को आप तो जानते ही होंगे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था और उनकी मृत्यु के बाद यहीं इनकी समाधि पर उनका एक बहुत ही बड़ा व सुंदर मेमोरियल बनाया गया है। आप सभी को इस मेमोरियल के बारे में जरूर जानना चाहिए और इस जगह को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर ऐड करें। तो हे दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूं रामेश्वरम स्थित एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल और बताऊंगा यहां की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मेमोरियल का उद्घाटन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की सेकंड डेथ एनिवर्सरी में यानी 27 जुलाई 2017 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराया गया। यह मेमोरियल रामनाथ स्वामी मंदिर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर पंबन ब्रिज की साइड है और यहाँ बस या शेयरिंग ऑटो से भी जाया जा सकता है। यह मेमोरियल 2.11 एकर्स में फैला हुआ है और इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके एंट्रेंस में यह जो गेट है वह इंडिया गेट को रिप्रेजेंट करता है, जो लगभग 500 किलो वजन का है और 17 मीटर ऊंचा है। इस मेमोरियल का मेन डोम राष्ट्रपति भवन का स्वरूप है। इस मेमोरियल के कंस्ट्रक्शन में जो यूज्ड येलो ग्रेनाइट जो राजस्थान, रेड ग्रेनाइट जो जयपुर और व्हाइट ग्रेनाइट जो किशनगिरी डिस्ट्रिक्ट से मंगाया गया है। यहाँ का कोई एंट्री चार्जेस नहीं है और यहाँ फोटोग्राफी व कैमरा व मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। आप अपने इन चीजों को बाहर की शॉप्स में 10 रुपए प्रति मोबाइल की रेट से लॉकर में रख सकते हैं। यह मेमोरियल में कुल 4 बड़े हॉल हैं, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के 800 से भी ज्यादा तस्वीरें वह उनकी डेली यूज की वस्तुएं जैसे प्लेट, कॉफी मग, लैपटॉप, स्लीपर्स व उनकी ड्रेस को रखा गया है। वह साथ में उनकी डिग्री, अचीवमेंट्स, उनके अवार्ड्स व मेडल जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और वीर सावरकर अवार्ड, हॉवर्ड मेडल आदि को सजोकर रखा गया है। मेमोरियल के बीचों बीच कलाम जी की एक ब्रॉन्ज की मूर्ति है, जिसमें उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उस मूर्ति के साइड में भगवद गीता भी रखी गई है। मेमोरियल में ही उनका एक मकबरा भी है जो सभी हॉल को जोड़ता है। यहाँ कलाम जी के कुछ लाइफ साइज वैक्स स्टैचू भी हैं। वह एक स्टैचू जिनमें आखिरी लेक्चर डिलीवर करते हुए उनको गिरते हुए दिखाया गया है, जो रियली में हार्ट टचिंग है। इस मेमोरियल में चारों तरफ कई पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इसके पीछे की साइड में DRDO की अग्नि मिसाइल का भी प्रतिरूप रखा हुआ है। तो दोस्तों, यह था उस व्यक्ति का मेमोरियल जो कभी भी किसी कंट्रोवर्सी के शिकार नहीं हुए और जिनका कभी भी कोई हेटर नहीं था और ना होगा। दोस्तों, अगर आप रामेश्वरम आए हैं या आने वाले हैं तो कुछ समय निकाल कर यहाँ जरूर आए। यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम जी को लाइफ को समझने के लिए यह सबसे अच्छी जगह हो सकती है। तो आपको हमारा ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक मुझे दें इजाजत। जय हिंद।